चार अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केनिया की 5 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोजाम्बिक की राजधानी मोपुतु पहुंचे। पीएम मोदी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप यूसी से करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। अफ्रीकी मुल्कों के साथ आर्थिक समझौते और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना है एजेंडे में। बांग्लादेश के किशोरगंज में आज सुबह हुआ बम ब्लास्ट। राजधानी ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर किशोरगंज में ईद के मौके पर जमा भीड़ के करीब ये धमाका हुआ है। यहाँ पर करीब 3 लाख लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान ये धमाका हुआ। धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 10 लोग घायल हैं। इस धमाके में शामिल एक हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर 300 परियोजनाओं की हुई शुरुआत। इन परियोजनाओं में घाटों का नवीनीकरण, जलमल शोधन संयंत्र स्थापित करना, वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण शामिल है। ये योजना प्रारंभ में एक साथ 104 स्थानों पर सभी 5 गंगा बेसिन वाले राज्यों में शुरू की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तारों विभागों में फेरबदल के बाद कई मंत्रियों ने संभाला कामकाज। मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का जताया संकल्प। नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज संभाला पदभार। दुनिया भर में मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत कई विश्व नेताओं को फोन कर दी ईद की मुबारकबाद। सरकार ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ करेगी उचित कार्रवाई। ढाका में हुए आतंकी हमले में शामिल बांग्लादेश के 5 आरोपियों में से एक था जाकिर नाइक का अनुयायी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को मानवाधिकारों के हनन का दोषी बताते हुए उन पर पहली बार प्रतिबंध लगा दिया है। अमरीकी राजकोष ने उत्तर कोरिया में विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार हनन के लिए किम को सीधे जिम्मेदार बताया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बुधवार देर रात ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार लोग एक समारोह से लौट रहे थे। उधर सिरोही में भी एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। देश भर में मानसून सक्रिय है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा सहित देश के सभी हिस्सों में हो रही है जोरदार बारिश। बारिश के चलते असम की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के 6 जिलों में बाढ़ के कारण लगभग 80,000 लोग प्रभावित हैं। बिहार के गया में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक रथ यात्रा को देखने देश और दुनिया भर से करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। कल देवताओं को 3 मुख्य रथों पर बैठाकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 9 दिनों के प्रवास के लिए गुंडेचा मंदिर ले जाया गया। ईद के मौके पर सीरियाई सेना ने पूरे देश में लागू किया 72 घंटों का एकतरफा युद्ध विराम। यह युद्ध विराम शुक्रवार की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। विद्रोही गुटों द्वारा युद्ध विराम पर सहमति जताए जाने की कोई खबर नहीं। 2003 में हुए इराक हमले पर बहुप्रतीक्षित चिलकॉट रिपोर्ट ने टोनी ब्लेयर के प्रधानमंत्री काल में ब्रिटेन की भूमिका पर उठाए हैं सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने शांति स्थापित करने के तमाम उपायों को इस्तेमाल में नहीं लिया। यूरो फुटबॉल कप में वेल्स को सेमीफाइनल में 2-0 से हराकर पुर्तगाल पहुंचा फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में आज जर्मनी की टक्कर होगी फ्रांस से। शुरुआती 2 सेट गंवाने के बाद फेडरर ने की जबरदस्त वापसी। 5 सेट के मुकाबले में क्रोएशिया के मारिन सिलिक को मात देकर विंबलडन के एकल सेमीफाइनल में बनाई जगह।